السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. हम लोग الممنوع من الصرف पढ़ रहे हैं. الممنوع من الصرف किसको कहते हैं? ऐसा इसम जिसके ऊपर तनवीन ना आए और कसरा ना आए, जिसके ऊपर तनवीन और कसरा ना आए उसको हम कहते हैं ممنوع من الصرف. यानी صرف मतलब होता है फेरना, तब्दील करना, चेंज करना, और ممنوع मतलब मना. तो अब कल हम लोग पढ़े थे वो दूसरा तरीका था, आज एक और आसान तरीका जो शेख ने बयान किया है उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जिन को समझ में वो तरीके समझ में नहीं आया होगा, इंशाल्लाह इस तरीके से वो लोग समझ जाएंगे. तो पहली चीज ये तो ये है कि हमने अल ममनू मिन असर का माना जानना है कि अल ममनू मिन असर किसको कहते हैं. ठीक है, अल ममनू मिन असर कहते हैं, हाँ, अल ममनू मिन असर ऐसे इसमें कहते हैं इस्मुन ला युनवन, इस्मुन ला युनवन ऐसा इस्म जिसके ऊपर तनवीन ना आती हो, जिसके ऊपर तनवीन ना आती हो, ये पहली चीज है. ठीक है, और दूसरी बात ये है वायुजर और जर दिया जाता है बिल फतहति, फतहा के साथ ऐसा इसम जिसके ऊपर तनवीन नहीं आती. वायुजर बिल फतहति और जर दिया जाता है फतहा के साथ, यानी हालत जर में ये होता है फतहा के साथ. क्यों होता है? नियाबतन अनिल कसरती, नियाबतन अनिल कसरती, कसरा की नियाबत करते हुए. जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम देखते हैं कि ये जो है मेन आदमी नायब है, नायब यानी इसका जानशीन. तो अल ममनू मिन असर कैसे इसम कहते हैं? इस्म ला युनवन, ला युनवन ऐसा इसम जिसके ऊपर तनवीन ना आती हो. وَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ और जर दिया जाता है, यानी हालत जर में जर इसकी दिया जाता है फतहा के साथ कसरा की नियाबत करते हुए, यानी कसरा की जगह पे इसमें क्या आएगा? इस पे फतहा आएगा. तो अब ये कौन कौन से इसम है? सबसे पहली चीज है अलअलमुल मुअन्नस, अलअलमुल मुअन्नस यानी फीमेल का नाम, फीमेल का कोई भी नाम हो, फीमेल का कोई भी नाम हो, एक हिंदा को छोड़ के हिंदुन पे तनवीन आती है. ठीक है, तो जितने भी नाम है यानी मुअन्नस के नाम, मुअन्नस के नाम क्या है? ये सब ममनू मिन असर्फ है, ममनू मिन असर्फ है, इसके ऊपर तनवीन भी नहीं आएगी और कसरा भी नहीं आएगा. जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अखज़्तु हाज़ल क़लम मिन आमिनता, अब मिन हर्फ़े जर आया, हमको यहाँ पे क्या मिन आमिनते कहना चाहिए, लेकिन हमने क्या पढ़ा वयुजरु बिल फतहति नियाबतन अनिल कसरति और जर दिया जाता है फतहा के साथ कसरा की नियाबत करते हुए. तो अब जो है मैंने कहा कि अखज़्तु मिनहा, अखज़्तु हाज़ल क़लम मिन आमिनता, तो आमिनता हालत जर में है लेकिन हमने क्या है कसरा की नियाबत करते हुए यहाँ पे फतहा के साथ जर किया इसको. तो अलअलमुल मुअन्नस लेडीज नाम कोई भी हो वो सब क्या आएगा? सब उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी और उसके ऊपर कसरा नहीं आएगा. ये चीज आप लोग को याद रखनी है. जैसे जैसे मरियमु, ज़ैनबु, फातिमतु, खदीजतु, आमीनतु, आयशतु, कोई भी लेडीज नाम हो. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है अल अलमुल मुअन्नस फिल लफ्ज़ व मअनाहु मुज़क्करु, ऐसा आलम, ऐसा नाम जो मुअन्नस हो फिर लफ्जी, लफ्जी तौर पर यानी जो वर्ड के एतबार से, लफ्ज के एतबार से वो क्या हो? मुअन्नस हो. वमअनाहु मुज़क्करुन लिस्मिन, उसका माना क्या हो? उसका माना मुज़क्कर हो, यानी लफ्जी तौर पर ये वर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो मुअन्नस हमको लगेगा लेकिन हकीकत में उसका माना क्या रहेगा? जो है मुदक्कर रहेगा. जैसे हमारे पास है हमजतु, तलहतु, उसामतु, ये सब नाम क्या है? इसके लिए आप एक और चीज भी आप इसके लिए कर सकते हैं कि मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता है, गोलता इसको बोलते हैं. ठीक है, जब हम साथ में लिखते हैं तो ये ऐसे आती है. जैसे हमने लिखा तलहतु
तो फिर ये ऐसे आएंगे। तो मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आए वो क्या रहेंगे, वो भी उनके ऊपर भी तन्वीन नहीं आएगी और कसरा नहीं आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद العلم المختوم بألف ونون زائدتين, ऐसा علم, ऐसा नाम जो अलीफ और नून ज्यादा, अलीफ और नून, अलीफ और नून जिसके एंड में मख्तूम, मतलब जो जिसका खातिमा हो, जिसका एंड हो अलीफ और नून की ज्यादती के साथ, यानी अलीफ और नून उसमें एक्स्ट्रा। तो आप इसको इसको समझने के लिए एक और तरीका भी कर सकते हैं कि मर्दों के वो नाम जिनके एंड में अलीफ और नून आ जाए, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए वो भी गैर मुनसरिफ हैं, उन पे तन्वीन और कसरा नहीं आएगा, जैसे इमरान, उस्मान, ठीक है, इस तरीके से और भी जो नाम है आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है अल अलम अल्लज़ी अला वज़्न फ़िल, वो अलम वो नाम जो फ़िल की वजन पे हो, फ़िल तो इसमें नहीं है कि फ़िल इसी वजन पे, माने फेल का, फेल के बहुत सारे उदाहरण है, उसमें एक वजन है अफ़ालू, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मुज़क्कर के नाम है अहमदु, अनवरु, अकबरु, अफ़दल, ये सब क्या है, ये सब गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये फेल के वजन पे है, यानी मर्दों के वो नाम जो अफ़ालू के वजन पे हों, मर्दों के वो नाम जो अफ़ालू के वजन पर हों वो भी गैर मुनसरिफ है। उसके बाद पांचवी चीज العلم الأعجمي, मर्दों के वो नाम जो अरबी नहीं है, अजमी है, अरबी लैंग्वेज में नहीं, अरबी जुबान में नहीं है, किसमें, अजमी है। तो अजमी जो भी नाम है वो सारे नाम, चाहे मुल्कों के नाम हो, चाहे इंसानों के नाम हो, चाहे शहरों के नाम हो, सब क्या होंगे, गैर मुनसरिफ, यानी इब्राहिम, यूसुफ, बगदाद, यूनान, यापान, ठीक है, इस तरह के जो है ये सब होते हैं। उसके बाद हमारे पास छठी चीज है अस्सिफा अल्लती अला वज़्न अफ़अल, वो सिफत, वो एडजेक्टिव जो अफ़अलों के वजन पे आए, यानी वो सिफत जो सिफत अफ़अलों के वजन, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अलम वो नाम, मर्दों का वो नाम जो अफ़अलों के वजन पे आए, और इसी तरीके से वो सिफत जो अफ़ालों के वजन पे आए वो भी क्या रहेगी, वो भी गैर मुनसरिफ रहेगी, उसके ऊपर तन्वीन और कसरा नहीं आएगा। आप इसमें और एक चीज आसानी के साथ आप ये कह सकते हैं कि कलर नाम, कलर्स के जितने भी नेम है अरबी में, अबयद, वाइट, अस्वद, ब्लैक, अहमर, रेड, ठीक है, अजरक, ब्लू, जितने भी हैं, आप जितने भी कलर्स नेम है, कलर नेम अफ़ालों के वजन पर है, कलर्स नेम क्या है, ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, यानी वो कलर नेम, कलर के नेम अफ़ालों के वजन पे आते हैं, वो सिफत जो अफ़ालों के वजन पे आए। तो कलर ये क्या है, सिफत है, रेड, वाइट, ब्लैक, येलो, ये क्या है, सब सिफत है। तो वो सिफत जो अफ़ालों के वजन पे आए वो भी क्या रहेगी, गैर मुनसरिफ रहेगी। उसके बाद सातवीं चीज है हमारे पास अस्सिफा अल्लती अला वज़्नि फ़अलान, वो सिफत जो फ़ालान के वजन पे हो, यानी आपको ये वर्ड याद रख लेना है फ़ालान, फ़ालान, वो सिफत जो फ़ालान के वजन पे हो वो सिफत भी क्या होगी, गैर मुनसरिफ होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे हमारे पास एक लफ्ज है गुस्सा, जिसे हम कहते हैं गुस्सा एक सिफत है, खुशी एक सिफत है, प्यास एक सिफत है, भूख एक सिफत है। तो जब हम इसको इसको जब अरबी बनाएंगे, ठीक है, तो ये फ़ालान के वजन पे आएगी, से जैसे कसल, सुस्ती, लेज़ीपन, ये भी क्या है, सिफत है। तो अब जब फ़ालान के वजन पे जो सिफत आएगी वो भी क्या रहेगी, गैर मुन, जैसे हम लेसन बुक में पढ़ चुके हैं, बुक वन में पढ़ चुके हैं, इससे पहले कसलानु, जवानु, अक्शानु, गबानु, फरहानु, मलानु, इस तरह के जो भी सिफात आ जाएं फ़ालान के बदल पे, जो भी सिफात आ जाए वो गैर मुनसरिफ होगी। तो उसके बाद है आठ नंबर
अल इस्मुल मख्तूम बि अलिफ ममदूदत अला वज़्न अफ़इलाहु, वो इस्म वो नाउंस जो अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा खींच के पढ़ना, खींच के पढ़ना, बि अलिफ ममदूदत जो अलिफ ममदूदा के जरिए से वो अला वज़्न अफ़इला, यहां पे जैसे आपने फ़ाला लिखा यहाँ पे आप अफ़इला रख दो, ठीक है, अफ़इला असल में ये सब जमा मुकसर है, जमा मुकसर हम से पहले पढ़ चुके अग्निया व अस्दिका, ठीक है, पढ़ चुके औलिया व अंबिया, ये सब है। आशा अगर आप इसको अच्छे से याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं ऐसा इस्म जो खत्म हो अलिफ ममदूदा के जरिए अफ़इलाओ के वजन पे, अफ़इलाओ के वजन पे, जैसे अग्नियाओ अस्दिकाओ औलियाओ अंबियाओ अक्वियाओ, जितने भी ऐसे नाम चाहें ये भी क्या है, गैर मुनसरिफ हैं। या अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि ऐसा इस्म जो अफ़इलाओ के वजन पे आए, ठीक है, जो ऐसा इस्म जो अफ़इलाओ के वजन पे आए वो भी गैर मुनसरिफ रहेगा। उसके बाद है नौ नंबर, अल इस्मुल मख्तूम बि अलिफ ममदूदा, ऐसा इस्म जो खत्म हो अलिफ ममदूदा पर, यानी जिसको हम खींच के पढ़ते हैं अलिफ ममदूदा पर, और वो वजन किस वजन पे हो, फुअलाउ, ये सब जमा मुकसर है, क्या है, फुअलाउ हम पढ़ चुके, जुअ उलमाउ फुकराउ वुजराउ, ये सब क्या फुअला के वजन पे, ऐसा इस्म जो जो अलिफ ममदूदा पर खत्म हो और वो फुअलाओ के वजन पे हो। अगर आप इसको आसानी के साथ इजी लैंग्वेज में आप तो आप कह सकते हैं कि ऐसा इस्म जो फुअलाओ के वजन पे हो, जो फुअलाओ के वजन पे हो वो क्या रहेगा, वो भी गैर मुनसरिफ, जैसे फुकराउ वुजराउ उलमाउ, ये सब क्या है, फुअलाओ के वजन पे हैं। उसके बाद दस नंबर है, अल इस्मुल लज़ी अला वज़्नि मफ़ाइलु, वो इस्म जो जमा मुकसर के, जमा मुकसर के सेगे जो हमने पढ़े हैं, ये भी हमने पढ़ा है, अफ़इला व फ़ुअला हमने पढ़ लिया है, जमा मुकसर का वजन है, ठीक है, यानी वो जमा जो जिसमें वाहिद का वजन, सिंगुलर का वजन जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, सलामत नहीं रहता, मैं इससे पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो मफ़ाइलु, मफ़ाइलु के वजन पे जो भी जमा आएगी जो, तो वो भी क्या रहेगा, गैर मुनसरिफ रहेगा, जैसे मसाजिदु मदारिसु फनादिकु, ऐसे कुछ ही मकातिबु, कोई भी ऐसा इस्म जो मफाइल के वजन पे आ जाए वो गैर मुनसरिफ रहेगा। उसके बाद ग्यारह नंबर, अल इस्मुल्लज़ी अला वज़्नि मफाइलु, मफाइलु ऐसा इस्म जो मफाइलु के वजन पे हो, ये है मफाइलु और ये है मफाइलु, ये है मफाइलु, ठीक है, मफाइलु के वजन पे जो आए, जैसे मफातीहु मिफ्ताहुन की जमा, मफातीहु मिसबाहुन की जमा, मसाबीहु फिंजानुन की जमा, फनाजीनु, ठीक है, मकादीरु, ये जो है क्या, ये जो चार अभी हम आठ नौ दस ग्यारह चार नंबर जो पढ़े हैं ये सब जमा मुकसर के अवधान है। आपको ये याद रखना है कि जो जो इसम फुअलाओ के वजन पे आए वो गैर मुनसरिफ रहेगा, जो इसम अफ़इलाओ के वजन पे आए वो गैर मुनसरिफ रहेगा, जो इसम मफ़ाइलो के वजन पे आए वो गैर मुनसरिफ रहेगा, जो इसम मफ़ाइलो के वजन पे आए वो गैर मुनसरिफ होगा। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, अफ़इलाओ फुअलाओ मफ़ाइलो मफ़ाइलो, ये चार चीजें आपको याद हो गई तो आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। दूसरा एक समझाने का तरीका उलमा ने और बताया, जैसे हमारे पास ये दो लेटर हैं, ठीक है, मफाइल और मफाइल जैसे हमारे पास हैं, ठीक है, मफाइल और मफाइल, तो यहाँ पे उलमा ने एक बात समझाने के लिए और कही है कि जमा मुकसर का ये हमारे पास है मफाइल, कि जमा मुकसर का वो वजन, यहाँ पे देखिए अलिफ है, कि अलिफ के बाद दो लेटर हों जैसे ऐन और लाम अलिफ के बाद, तो ये गैर मुनसरिफ रहेगा। इसी तरीके से जमा मुकसर का वो वजन जिसमें अलिफ के बाद तीन लेटर आए, इसमें यहाँ ऐन आया, या आया और लाम आया, ठीक है, तो तीन लेटर आए, इसमें क्या शर्त है कि अलिफ के बाद दो लेटर और आए, या ऐन लाम, इसमें आया कि तीन लेटर आए और बीच वाला साकिन हो, बीच वाला क्या हो, साकिन हो, जैसे मफाइलु
अब इसकी ऊपर जितनी भी हमने मफातीहु मसाबीहु मकादीरु फनाजीनु ये सारी चीजें जो है आप आसानी की समझ सकते हैं। शॉर्ट में जो आपको आपको जो चीजें याद रखनी है वो आप ये चार चार अल्फाज आप याद कर लें। क्या है अफ़इलाउ, ठीक है, और दूसरा फुअलाउ, ठीक है, तीसरा मफाइलु, चौथा मफाइलु। और अगर आप चाहें तो इन हर एक की एक एक दो दो एग्जांपल याद कर लें। अफ़इलाउ जैसे अग्नियाउ अस्दिकाउ अक्वियाउ औलियाउ अंबियाउ फुअलाउ फुअलाउ जैसे वुज़राउ उलमाउ याद सुफराउ मफाइलु मदारिसु मकातिबु फनादिकु मफाइलु मफातीहु मकादीरु फनाजीनु मसाबीहु अभी याद करना, ठीक है। बाकी ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत आसान है। हर लेडीज का नाम क्या रहेगा? गैर मुनसरिफ रहेगा। मर्दों का हर वो नाम जो गोल ता पर एंड हो वो गैर मुनसरिफ रहेगा। मर्दों का वो नाम जिसके एंड में अलिफ नून आ जाए गैर मुनसरिफ रहेगा। मर्दों के वो नाम जो अरबी नहीं अजमी है वो भी क्या रहेंगे? गैर मुनसरिफ रहेंगे। और वो सिफत जो अफ़ालों के वजन पे हो, मर्दों के वो नाम जो अफ़ालों के वजन पे हो और वो सिफत जो अफ़ालों के वजन पे हो, वो दोनों मर्दों का नाम अगर अफ़ालों के वजन पे जैसे अहमद अकबर अफ़ज़ल, सिफत जो अफ़ालों के वजन पे है जैसे अबयद अस्वद अस्फर, उसके बाद एक बचता है फ़ालान, वो सिफत जो फ़ालान के वजन पे हो जैसे कसलान जवान अफशान गज़बान मलान फरहान, ये क्या है? ये भी गैर मुनसरिफ होंगे। पर ये आसान तरीका था इंशाअल्लाह, इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है गैर मुनसरिफ की बहस को समझने के लिए। अब एक और चीज जो हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 22 के अंदर पढ़ेंगे वो ये है कि दो सूरतों में दो कंडीशन में दो हालात में इस्म गैर मुनसरिफ इस्म पर तनवीन तो नहीं आएगी लेकिन कसरा आ सकता है, कसरा आ सकता है। तो इंशाअल्लाह बाद में मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊंगा आपको तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज छोड़ सकते हैं, आप लोग थोड़ा मुश्किल हो जाए तो इबारत जब आएगी तो मैं आप लोग इंशाल्लाह बताऊंगा। उसमें से एक सूरत ये है कि जब वो जब ये जो है ये मुदाफ हो, दूसरा ये कि जब इस पर अल दाखिल हो तो फिर जो है इसके ऊपर कसरा आ सकता है, दो सूरतों में कसरा आ सकता है। तो इंशाल्लाह बाद में हम जो है इसको पढ़ते हैं। अब हालत जर में ममनू मिन सर्फ का इराब कैसे रहेगा? जैसे हमने पढ़ा कि वह यजुरु बिल फतहति नियाबतन अनिल कसरति, कि फतहा यानी हालत जर में फतहा दिया जाता है कसरा की नियाबत करते हुए। तो अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, उससे इंशाल्लाह हम लोग को पता चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम मैं कहता हूं ज़हबतु, मैं गया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को बराबर? ज़हबतु इला ज़ैनब, ज़हबतु इला ज़ैनब, मैं ज़ैनब के पास गया। अब यहाँ पे देखिए इला जो है ये क्या है? हर्फ़े जर है। इला क्या है? हर्फ़े जर है, लेकिन यहाँ पे ज़ैनब हालत जर में है ना, हालत जर में, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे क्या दिया? हालत जर में यहाँ पे फतहा दिया कसरा की नियाबत करते हुए। हमने कहा ज़ैनब, क्या कहा हमने? ज़ैनब। तो यहाँ पे ज़ैनब किस में है? हालत जर में है, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ है इस पे तनवीन और कसरा नहीं आएगा, तो हमने क्या किया? हालत जर में ज़ैनब के ऊपर फतहा दिया कसरा की नियाबत करते हुए, ठीक है। एक मिसाल ये हो गई, उसके बाद दूसरी एग्जांपल और देखें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं हादल कलम हादल कलम, ये कलम ज़ैनब की है या अहमद की है कुछ भी, तो मैं हादल कलम
ली अहमद, या हम जैनब लिख देते हैं, ली ज़ैनब। अब यहां पे लाम हर पे जर आया, ठीक है, तो जैनब और अहमद हालत हालत जर में है, लेकिन हमने क्या किया, यजुरु बिल फतहति नियाबतन अनिल कसरति, हमने यहाँ पे फतहा दिया कसरे की नियाबत करते हुए, हालांकि जैनब और अहमद क्या है, हालत जर में, लेकिन एंड में क्या दिया, हमने फतहा दिया, क्यों, क्योंकि गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में हम उसके ऊपर फतहा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं बगदाद से हूं, मैं कहता हूं मैं बगदाद हूं, ठीक है, तो अब आना मिन बगदाद, मैं बगदाद से हूं, मिन हर बेजर है, ये बगदादी होना चाहिए, बगदाद नहीं कि नहीं, तमीन यहां नहीं आएगी, और दूसरी बात यह है कि यहां पे कसरा भी नहीं आएगा, तो हालत जर में हमने फतहा दिया कसरा की नियाबत करते हुए, मैं बगदाद से हूं, ठीक है। इसी तरीके से आप एक मिसाल सुनते होंगे, हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अल काबतु, अल काबतु फी मक्का, क्या आएगा, मक्कता की मक्कतिन, मक्कता, यहाँ पे मक्का हालत जर में है, फी हर भी जर की जा से, लेकिन हम यहाँ पे फतहा देंगे कसरा की नियाबत करते हुए, अल काबतु फी मक्कता, काबा किस में है, मक्का में है, तो इस ऐसी एग्जांपल आप जो है इंशाल्लाह आप लोग को इस चीज से जो है समझ में आ जाए। अब यहाँ पे तो हर्फ जर यानी कोई इसम मजरूर होता है, तो एक तो हर्फ जर की तो हर्फ जर की एग्जांपल हमने पढ़ ली, अब हम दूसरा इसम कब मजरूर होता है, जब वो मुदाफ इलैह हो, अब हम मुदाफ इलैह की मिसाल देखते हैं, ठीक है, एक तो हर्फ जर की हमने मिसाल दे ली, अब हम इसम मजरूर होता है मुदाफ इलैह होने की वजह से, जब किसी इसम की तरफ जो है वो क्या कहते हैं, यानी मुदाफ इलैह हो, जैसे हमने पढ़ा किताब हामिदिन, हामिद की किताब, तो हामिदिन क्या है, यहाँ पे मुदाफ इलैह इसलिए मजरूर है, लेकिन गैर मुनसरिफ इसम जब मुदाफ इलैह हो तो उसका इराद क्या रहेगा, अब आप देखें, जैसे हम कहते हैं बैतु, बैतु ये हो गया क्या है, मुदाफ, इसीलिए यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आया, तन्वीन नहीं आई, हम कहते हैं बैतु इब्राहीम, इब्राहिम का घर, ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर हमने कहा क्या कहा, बैतु मुहम्मदिन, मुहम्मद का घर, तन्वीन आया क्योंकि ये बैतु मुदाफ है, मुहम्मदिन मुदाफ है, लेकिन हमने यहाँ पे कहा बैतु इब्राहिम, क्यों कहा, क्योंकि इब्राहिम गैर मुनसरिफ है, तो हालत मुदाफ इलैह हालत जर में हम यहाँ पे क्या देंगे, फतहा देंगे कसरा की नियाबत करते हुए, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं किताब मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब, ठीक है, तन्वीन आई, लेकिन अगर हमें गैर मुनसरिफ इसम की तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं किताब इब्राहिम, इब्राहिम की किताब, ठीक है, ऐसे हम कोई और नाम ले लें, याकूब, याकूब, ऐसे हम किसी लेडीज का नाम लें, मरियम, ज़ैनब, फातिमा, किताब इब्राहिम, किताब मरियम, किताब ज़ैनब, किताब फातिमा, किताब इस्माइल, तो मुदाफ इलैह में भी क्या गैर मुनसरिफ इसम जब मुदाफ इलैह हालत जर में भी हम क्या देंगे, फतहा देंगे, फतहा देंगे, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग के लिए समझना जरूरी है इंशाअल्लाह। अभी हम कहते हैं कि इसहाक का घर खूबसूरत है, इसहाक का घर खूबसूरत है, तो हम कैसे बनाएंगे, बैतु इसहाक,
अब इसहाक यहाँ पे क्या है, मुगाफिर है इसहाक का घर, लेकिन चूंकि गैर मुनसरिफ है, अजमी नाम है, अजमी नाम है। एक तो ये कि अलम है, एक तो ये कि ये अलम है, दूसरा इसमें सबब ये पाया जा रहा है कि ये अजमी है, ठीक है। तो अब हमने हालत जर में क्या दिया, फथा दिया, भाई तू इसहाक जमीलुन, इसहाक का घर खूबसूरत है, या आप कह दें भाई तू ज़ैनब कबीरुन, ज़ैनब का घर बड़ा है, भाई तू मरियम सगीरुन, मरियम का घर क्या है, छोटा है। ये एग्जांपल है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपका मसला और इंशाल्लाह वादे हो जाएगा, और ये एग्जांपल से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग को जो कसरा वाला मसला है यानी ज़ेर वाला मसला, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे लिए खैर। अब आप देखें अलमनू मिन सर्फ, शेख ने यहाँ पे आपको बता दिया है अनवाउल आतियत मिन अस्मा ममनूअत मिन सर्फ, कि आने वाले अस्मा की जो अकसाम है ये ममनू मिन सर्फ है। तो आपके सामने पहला नाम दिया हुआ है, देख पहला दिया हुआ कॉलम में ज़ैनबु मरियमु फातिमतु आयशतु मक्कतु जुद्दतु, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्या है, अलम है, क्या है, अलम है, नाम है, ठीक है। और ये नाम कौन से है, मुअन्नस है, मुअन्नस, मुअन्नस नाम है। तो यहाँ पे भी जो मक्का के बारे में सवाल कर रहे थे, ठीक है, सो जो वहाँ पे बताने में मुझसे गलती हुई वो कि ये है तो अरबी है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे इसकी जो मुअन्नस है, ठीक है, मक्कतु, ये तातानिस की यहाँ पे अलामत मौजूद है, इसलिए ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, ठीक है, यानी वो अलम जो मुअन्नस हों, वो अलम जो मुअन्नस। अच्छा, ज़ैनब और मरियम इनके एंड में पा नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि ये नाम भी है प्लस लेडीज का नाम है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, दूसरे उस नंबर में आपको दिया हुआ है हमजतु उसामतु मुआवियतु तलहतु, ठीक है। अब जो ये चार हैं, ये चार क्या हैं, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आ जाए, देखिए हमजा के नीचे, हमजा के बाद में उसामा के बाद में मुआविया के बाद में तलहा के बाद में ताता है, तो जब गोलता आ जाएगी मर्दों के नाम के आखिर में तो वो क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। अब ये जो ये इस्म जो है ये मानवी तौर पर या ये लफ्जी तौर पर तो क्या है, मुअन्नस है, गोलता है में, लेकिन मानवी तौर पर मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर है, हमजा आदमी का नाम है। उसके बाद आप दूसरी किस्म देखें, और ये आपके सामने उस्मान, ठीक है, उस्मान, उस्मान, अफ़ान, सुफियान, मरवान, नुमान। अब यहाँ पे देखिए मर्दों के, सारे मर्दों के नाम है, लेकिन आखिर में क्या, अलिफ नून ज्यादा है, मर्दों के वो नाम जिसमें अलिफ नून ज्यादा हो तो ये भी क्या हो, जिसके एंड में अलिफ नून ज्यादा हो तो ये भी क्या रहेंगे, गैर मुनसरिफ रहेंगे। अब उसके बाद आप देखिए कसलान जवान, कसलानु जवानु अफशानु शबानु शबानु, शबान कहते हैं आसूदा, पेट भरा हुआ, मलान भरा हुआ, बाकी लफ्ज अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये क्या है, ये फ़ालान के वजन पे, किसके वजन पे है, फ़ालानु, फ़ालानु के वजन पे जो सिफत आए वो सिफत क्या रहेगी, गैर मुनसरिफ रहेगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलिफ नून ज़ायदतान, यानी ऐसे ऐसे अस्मा और सिफात, ऐसे नाम और सिफात जिनके एंड में अलीफ और नून ज्यादा हो, जैसे ऊपर मर्दों के नाम में अलीफ नून ज्यादा है, इधर सिफत में अलीफ नून ज्यादा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नाम और सिफात जिनके एंड में अलीफ नून ज्यादा हो तो वो भी क्या होंगे, वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। उसके बाद आपके सामने अहमद अनवर अकबर असादु, आप सिर्फ एक लफ्ज याद रख लें, अफ़अलु, अफ़अलु के नाम पर जो भी आएगा, चाहे वो मर्दों का नाम हो चाहे वो सिफत हो, ठीक है, इस्म तब्दील का जो वजन है अफ़ालु, इसके वजन पर जो भी आए चाहे वो नाम हो चाहे वो सिफत हो वो भी क्या रहेगा, गैर मुनसरिफ रहेगा। जैसे अहमदु अनवरु अकबरु असादु, फिर अबयदु अस्वदु अहमरु, अबयद सफ़ेद वाइट, अस्वद ब्लैक, अहमर सुर्ख, अस्फर येलो, अखदर ग्रीन, अजरक ब्लू, ठीक है, तो ये सब कलर्स नेम है, तो ये चीज़ भी आपको बता दी गई। उसके बाद आप पांचवा नंबर देखें, ये अजमी नाम है, अजमी नाम कौन से है, विलियमु इडवर्डु, एडवर्ड इंग्लिश में, ठीक है, लंदनु बारिसु पेरिस, पाकिस्तानु बगदादु इब्राहिम, ये सब अजमी नाम है, ठीक है। मक्का जो है वो अरबी है लेकिन वो मुअन्नस है, ठीक है, बगदाद गैर अजमी है, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए ये तो हो गए शहरों के, विलियम एडवर्ड ये तो अजमी नाम है ठीक है, लंदन बारिश पाकिस्तान बगदाद ये चारों जो है मुल्क या शहर के नाम है ठीक है। और उसके बाद नबियों के नाम इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब यूनुस यूसुफ, तो आपने छह नाम अगर अंबिया के याद कर लिए नूह नूह लूत हूद सालेह शुएब वगैरह, तो आपको फिर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है जब भी कोई दूसरा नाम आएगा नबियों का तो आप समझ लीजिए कि वो जो है गैर मुनसरिफ है। उसके बाद जो ये जमा मुकसर के अवज़ान है आपके, जमा मुकसर हम पढ़ चुके हैं पहले लेसन में, जमा मुकसर के आप सिर्फ अवज़ान याद कर लो, पहला वजन है अफ़इलाउ, दूसरा है फुअलाउ, तीसरा है मफाइलु, चौथा है मफाइलु। अब आपने चार वजन याद कर लिए, अब आप ये याद रख लो कि जमा मुकसर के वो अवज़ान जो अफ़इलाउ के वजन पे आए वो गैर मुनसरिफ होंगे, जैसे अग़नियाउ अस्दिक़ाउ अक़वियाउ अक़िब्बाउ। जमा मुकसर का वो वजन जो फुअलाउ के वजन पे आए फुक़राउ वुज़राउ ज़ुलमाउ ज़ुमलाउ उमलाउ उलमाउ ठीक है, सुफ़राउ खूब इस तरह के जो भी आ जाए वुज़राउ, ये सब क्या गैर मुनसरिफ है। अब आता है मफाइलु और मफाइलु, मफाइलु मसाजिदु मदारिसु फनादिकु मकातिबु दकाइकु। मफाइलु के वजन पे जो भी इस्म आएगा वो क्या रहेगा, जो भी जमा आएगी वो क्या रहेगी, गैर मुनसरिफ रहेगी। और यहाँ पे एक चीज और उन्होंने बताई कि जो अलिफ है अलिफ के बाद दो लेटर, यानी जमा मुकसर की वो जमा जिसमें अलिफ के बाद दो लेटर हो तो गैर मुनसरिफ रहेगी। इसी तरीके से जमा मुकसर की वो औज़न जिसमें अलिफ के बाद तीन लेटर हो लेकिन बीच वाला क्या हो, साकिन हो, जैसे अभी मना दीलो आपके सामने मफाइलु के वजन पे मना, यहाँ पे देखिए अलिफ है, अलिफ के बाद दाल या लाम तीन लेटर है और या क्या है, साकिन है, या साकिन है, तो ये भी आप इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये गैर मुनसरिफ का। मना दीलु मफातीहु फनाजीनु करासियु, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसके बाद एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह आप लोग अभी करेंगे तो आपके सामने सारा मसला जो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हल हो जाएगा। उसके बाद लेसन नंबर 23 बचा है वो इंशाल्लाह कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए आसानी फरमाए और खैर का मामला फरमाए।